वर्कशीट वन चैप्टर टेन पैरेलल लाइंस. फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर 10.9 ये हमें फिगर गिवन है जिसमें एल पैरेलल टू एम एंड एम पैरेलल टू एन गिवन है और पी इज अ ट्रांसवर्सल. ये पी है, ट्रांसवर्सल है. एंगल वन हमें गिवन है 110 और फाइंड करना है एंगल एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू. तो सबसे पहले हमने देखा कि L इज ए लाइन, स्ट्रेट लाइन है, तो इस पे जो एंगल फॉर्म होंगे वो होंगे सप्लीमेंट्री, जिनका सम होगा सप्लीमेंट्री यानी लीनियर पेयर, एंगल 1 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री. हम हर चीज का रीजन जरूर लिखेंगे ज्योमेट्री में. लीनियर पेयर तो एंगल 1 हमारे पास आएगा, सॉरी एंगल 1 हमें गिवन है 110. हमने एंगल 1 की वैल्यू पुट करी 110 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री और x कैलकुलेट हुआ हमारे पास 180 डिग्री माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री. अब हम देखते हैं x और y का क्या रिलेशन है. l पैरेलल टू m, l और m पैरेलल है, तो x जो है वो राइट साइड है और y जो है वो लेफ्ट साइड है और दोनों पैरेलल लाइन के आउटसाइड ड्रॉ हो रहे हैं, तो इट मींस दे आर ऑल्टरनेट. अपोजिट साइड में तो ऑल्टरनेट और बाहर है तो एक्सटीरियर एंगल. तो क्या फॉर्म कर रहे हैं ये, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. तो x इज इक्वल टू y और हम रीजन लिखेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, दे फॉर्म ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. तो x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, x इक्वल टू y इक्वल टू कितने हो जाएंगे दोनों 70 डिग्री, जो x है वही y है. अब नेक्स्ट निकालेंगे हम y और z का रिलेशन देखेंगे. y और z l m पैरेलल टू n, m पैरेलल है n के, तो y और z क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट साइड में और इंटीरियर है, दोनों लाइन के अंदर है. तो ये y इक्वल टू z और y की वैल्यू क्या है 70, तो z की वैल्यू भी क्या आएगी 70 और रीजन हम लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. क्या फॉर्म करेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अब साइड अपोजिट है और दोनों लाइन के अंदर फॉर्म हो रहे हैं. अब नेक्स्ट देख सकते हैं हम z w, l और n भी पैरेलल है. w को हम कई तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे तो हम इसको z प्लस w लीनियर पेयर भी ले सकते हैं क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, ट्रांसवर्सल जो है एक सीधी लाइन है, तो ये जो फॉर्म्ड होगा ये हमारा लीनियर पेयर होगा, चाहे हम इससे भी निकाल सकते हैं. और दूसरी प्रॉपर्टी हम इसमें एक्सटीरियर एंगल भी यूज कर सकते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल 1 और w, क्योंकि l और m आपस में पैरेलल होंगी, तीनों लाइन से पैरेलल है, तो तीनों लाइन पैरेलल है तो एंगल 1 और w क्या है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. एंगल 1 इज इक्वल टू w इज इक्वल टू, एंगल 1 की वैल्यू हमें 110 थी तो w की वैल्यू भी 110 होगी, इसे हम लिख सकते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. इस तरह से हमने सारे एंगल्स की वैल्यू निकाल ली. पहले हमने निकाला x, 1 प्लस x बना रहे थे लीनियर पेयर, x कैलकुलेट हुआ, x इक्वल टू y क्योंकि l और m पैरेलल है, तो x और y आपस में ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है इसलिए ये दोनों इक्वल हुए. तो x इक्वल टू y इक्वल टू 70 और y और z बना रहे हैं, फॉर्म करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो y इक्वल टू z इक्वल टू 70 और 1 और w है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर क्योंकि l m n तीनों पैरेलल है, तो l इज पैरेलल टू n, तो 1 और w इक्वल टू 110 ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. फाइव योर आंसर, हमें गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री है. प्रूफ करना है हमें, शो करना है कि AD और BC पैरेलल हैं और अगर हैं तो हमें जस्टिफाई करना है. तो एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम है, इन दोनों एंगल्स को हम क्या कहेंगे अगर ये पैरेलल लाइन होती हैं तो. तो ये दोनों फॉर्म कर रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2. सिंस द सम ऑफ दिस एंगल, एंगल 1 भी 90 एंगल 2 भी 90, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री.
तो ये दोनों 180 डिग्री हैं, सो ए बी ए डी, इसलिए ए डी पैरेलल है बी सी के। और हम रीजन क्या देंगे, द एंगल्स ऑफ पेयर ऑफ द एंगल्स ऑफ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स, सेम कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया सेम साइड में, इंटीरियर अंदर में एंगल्स जो है कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मीन्स आर 180 डिग्री, सो द लाइन्स आर पैरेलल, सो इसलिए लाइन्स जो होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी, इसलिए ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी की। अब हमने देखा थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इज टू 6 सेंटीमीटर, मार्क टू पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन इट। हमने एक लाइन सेगमेंट ली ए बी 6 सेंटीमीटर की, इसमें दो पॉइंट डाले पी एंड क्यू। ड्रॉ लाइन्स परपेंडिकुलर टू ए बी थ्रू पी एंड क्यू, पी और क्यू से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, पी आर और क्यू एस, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर फॉर्म करते हैं 90 डिग्री, इधर भी इधर भी। तो व्हाट कैन यू से अबाउट पी आर एंड क्यू एस, आर दीज पैरेलल, तो हमें बताना है कि पी आर और क्यू एस जो हैं ये पैरेलल लाइन्स हैं, और जस्टिफाई करना है। तो ये 90 डिग्री है, मीन्स हमने पहले एंगल लिया एंगल ए पी आर, ये फॉर्म हो रहा है 90 डिग्री का। दूसरा एंगल हमने कंसिडर किया जो हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग देख सकते हैं, ये वाला एंगल, एंगल पी क्यू एस, ये भी 90 डिग्री है। तो हम देख सकते हैं सिंस द एंगल्स ऑफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, द एंगल्स ऑफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दोनों 90 डिग्री इक्वल है, सो द लाइन्स आर पैरेलल, द लाइन्स आर पैरेलल। क्या मतलब हुआ, जब हमारे पास लाइन पैरेलल होती है तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल लिखते हैं। अब हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो इसका कन्वर्स पहले वाले का, जब लाइन पैरेलल होती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो मीन्स लाइन्स जो होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो हम कह सकते हैं पी आर पैरेलल टू क्यू एस,